इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। पांच हजार साल से जलमग्न द्वारिका न केवल कृष्ण की वास्तविकता पर मोहर लगाती है, बल्कि ये भी बताती है कि सबसे पहले भारतीयों ने समुद्र की छाती चीर कर घर बनाना सीखा था। प्राचीन काल में दो निर्माण ऐसे हुए जिनसे भारतीयों की विलक्षण इंजीनियरिंग का पता चलता है। राम सेतु और द्वारिका नगरी के निर्माण की बातों को आधुनिक विज्ञान ने कपोल कल्पना कहकर खूब मजाक बनाया है। कृष्ण ने समुद्र से द्वारिका के लिए भूमि मांगी और समुद्र उनका सम्मान करते हुए पीछे हट गया। इस वाक्य की गूढ़ता समझे बिना इसे काल्पनिक मान लिया गया। श्री राम ने लंका जाने के लिए कई किलोमीटर लंबा राम सेतु बना डाला। इस वाक्य की गूढ़ता को समझे बिना दुनिया ने भारत की खिल्ली उड़ाई। स्वतंत्रता के बाद सन 1970 में कच्छ की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरते समय पायलटों ने देखा कि किसी पुरातन नगरी के अवशेष समुद्र से झांक रहे हैं। हजारों साल से समुद्र में जलमग्न कृष्ण की बसाई द्वारिका मानो संसार को अपने बारे में बताना चाह रही थी। सन 2005 में हुई व्यापक खोजों के बाद ये सिद्ध हो गया कि कृष्ण ने द्वारिका बसाई थी। द्वारिका का लोप हो गया और राम सेतु अपने निर्माण के बाद एक भयंकर सुनामी का शिकार हो गया। इसकी मध्य पूजा कई मीटर पानी में नीचे डूब चुकी थी। इन दोनों निर्माणों के बारे में शास्त्रों में लिखी गई बातें आज हमें अविश्वसनीय लगती हैं। कुछ श्रद्धालु इसे राम और कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। आम तौर पर देखा गया है कि भारत देश ने इस गूढ़ता का सरलीकरण कर सही अर्थ जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। पश्चिम हमारा मजाक बनाता रहा और हम अपनी गूढ़ताओं से और भी कसकर चिपक गए। वर्तमान विज्ञान के मुताबिक भूमि उद्धार का मतलब होता है समुद्र, झील या नदी की जलमग्न भूमि से नई भूमि बनाना। आज विश्व के 14 बड़े देश अपने लिए इसी तरह ज़मीन प्राप्त कर रहे हैं या कर चुके हैं। न भूतो न भविष्यति, भूमि उद्धार के आविष्कार स्वयं श्री राम ने किया था। उनके बाद कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण इसी विधि से किया था। श्री राम ने राम सेतु के निर्माण में इसी विधि का सहारा लिया था। आज हम जानते हैं कि राम सेतु कई छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बनाया गया था। द्वारिका का निर्माण भूमि उद्धार विधि से ही किया गया था। उस समय शास्त्रों में इसे समुद्र से मांगी भूमि लिख दिया गया था। वास्तविकता यही है कि कृष्ण ने इस नगरी का निर्माण ऐसे ही किया जैसे श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया, जैसे दुबई में आज पाम सिटी का निर्माण हुआ है। भूमि उद्धार की विधि का लाभ उठाने वाले देशों में चीन सबसे पहले नंबर पर आता है। चीन ने समुद्र की हजारों किलोमीटर की जमीन पर निर्माण कार्य किए हैं। जापान में केनसाई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल समुद्र के 80 मील के क्षेत्र पर बनाया गया है। डेनमार्क, कोरिया, भारत, कतर, न्यूजीलैंड आदि देशों ने भी इस विधि पर काम कर समुद्र की जमीन हथियाई है। एक प्राचीन विधि का प्रयोग आज दुनिया के सारे देश कर रहे हैं, लेकिन इस विधि से तैयार पहला अजूबा राम सेतु अब भी मानव निर्मित नहीं माना जाता।
जिस विधि से हमने असंभव लगने वाले निर्माण किए उसका संसार आज लाभ उठा रहा है। मुंबई शहर भूमि उद्धार विधि के जरिए ही बसाया गया था। पहले मुंबई 7 द्वीपों में विभक्त था। बसाहट से पहले शहर को भूमि उद्धार विधि के जरिए आपस में जोड़ा गया था। यहाँ के निवासियों को नहीं पता कि कितने कठिन ढंग से मुंबई को बसाया गया और इस काम में लगभग 100 साल का समय लग गया था। यही कारण है कि मुंबई हर वर्ष बाढ़ की समस्या से जूझता है। श्री कृष्ण की द्वारिका को बनाते समय चारों ओर विशेष तटबंध बनाए गए थे ताकि ज्वार आने पर पानी शहर में न घुस पाए। समुद्र में द्वारिका की जो प्राचीन दीवार पाई गई है वह इसी तटबंध योजना का एक भाग थी। श्री कृष्ण की नगरी सिर्फ एक दिन और एक रात में जलमग्न हो गई थी। एक भयंकर गगनचुंबी सुनामी ने इसे डुबो दिया था। क्रोधित समुद्र ने प्रचंड वेग धारण कर अपना भूभाग वापस ले लिया था। 5000 साल से जलमग्न ये नगरी न केवल कृष्ण की वास्तविकता पर मुहर लगाती है बल्कि ये भी बताती है कि सबसे पहले भारतीयों ने समुद्र की छाती चीर कर घर बनाना सीखा था। जय श्री कृष्ण।